हेलो एवरीवन, नीलूज होम किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सैंडविचेस के साथ मेयोनीज खाना तो हम सबको ही बहुत पसंद है, तो आज मैं आपके लिए वेज मेयोनीज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से सिर्फ एक मिनट में घर पर बना सकते हैं और बहुत ही तरह की डिप्स आप इससे बना करके इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने केवल 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और इसको आप बहुत ही घर में आसानी से बना करके इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर केवल 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब रिफाइंड ऑयल ले लिया है और 1/4 कप के करीब मैंने दूध लिया है और 1 चम्मच नींबू का रस ले लिया है और 1/4 चम्मच इसमें मैंने नमक लिया है और 1/2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। बस यही 5 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसमें हम ये रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो ठंडी हैं होनी चाहिए। रिफाइंड ऑयल आप जो है कोई भी अनफ्लेवर्ड लीजिए जिसमें कोई भी खुशबू ना हो, और उसको आप 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रखें और बाकी चारों चीज़ों को आप फ्रिज में 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस ब्लेंडर जार में डाल करके और हमें इसको बंद करके 1 मिनट से भी कम समय के लिए हमें मिक्सी को चलाना है। और ये देखिए, हमारी बिल्कुल बाजार जैसी मेयोनीज बन करके तैयार हो चुकी है। तो इससे आप और भी बहुत तरह की मेयोनीज जैसे गार्लिक फ्लेवर या और भी जो फ्लेवर्स आते हैं उस तरह की मेयोनीज आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको प्लेन मेयोनीज बनाना बताया है ताकि जो लोग वेज हैं वो वेज मेयोनीज इंजॉय कर सकें, और अगर आप कहेंगे तो मैं और भी फ्लेवर्स की मेयोनीज बनाना आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो आप ज़रूर घर पर इसको बना करके तैयार कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इनमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें फ्रिज में दरवाजे की तरफ नहीं रखना है, फ्रिज में आप अंदर की तरफ रखिए इसको, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में ही आप एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख दीजिए। 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बना सकते हैं या फिर आप हर हफ्ते बना करके इंजॉय कीजिए। तो इससे आप कई तरह की डिप्स बना सकते हैं और सैंडविच के साथ इस तरह देखिए आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आप बाहर से बिल्कुल भी मेयोनीज लाने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही इससे आप मज़ेदार सैंडविच बनाइए और उसको एंजॉय कीजिए, खूब सारी टिप्स बनाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।